अल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको आशीष शाहिद का बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको मौजी बीमारियों से, तंग दस्ती से, मुफलिसी से महफूज रखे। अल्लाह ताला अपने सिवा हमें किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को वसी करे। आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं अपने चूल्हे आपसे शेयरिंग करूँगी। ये मेरी शादी से बहुत पहले के चूल्हे हैं। ये मेरे अब्बू लेकर आए थे। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को, तमाम जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं, उन सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। तो ये मेरी शादी से बहुत पहले के चूल्हे हैं। तो ये देखें, और मैं बहुत हिफाजत से चलाती हूँ अपने चूल्हे, बहुत सफाई का ख्याल रखती हूँ। तकरीबन 30 से 35 साल हो गए इन चूल्हों को। तो ये देखें, मैं इसके अंदर माचिस वगैरह की तीली बिल्कुल नहीं डालती जलाने के बाद, क्योंकि इस पर निशान पड़ जाता है। और मेरी कोशिश ये होती है कुकिंग करके इस पर फ़ौरन से गीला कपड़ा फेर दिया जाए ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाए। और मैं बर्नल को बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि ये बीड़ के या लोहे के होते हैं तो जंग लगने के बाद सड़ने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। और मेरा ये छोटा सा किचन है, कुछ सामान रखा हुआ है ज़रूरत का, और कैबिनेट्स वगैरह बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट रही, दुआएं रही, तो मैं कैबिनेट्स वगैरह ख़रीदूंगी, क्योंकि सामान रखने के लिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और ये देखिए, इसके ऊपर ये फ्रेम बना के रखा है, अगर हम छोटी प्याली या पतीली वगैरह हो तो इसके अंदर फंसेगी नहीं, आराम से गर्म हो जाएगी। ये देखिए, और मैं इसको, चूल्हे गंदे हो जाते हैं तो स्कॉच ब्राइट से मैं बिल्कुल इसको साफ़ कर लेती हूँ। कोई भी देखता है तो यकीन नहीं करता कि ये इतने पुराने चूल्हे हैं। और ये चूल्हा मैं नीचे के साइड रखती हूँ, क्योंकि इधर स्पेस कम है कुकिंग वगैरह करने के लिए, मुझे परेशानी होती है। तो ये देखें, छोटा सा किचन है मेरा। और मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी, बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि ज़िंदगी है तो और चीज़ आ जाएगी, और मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में जो चीज़ हमारे पास है हम उसको हिफाजत से लेकर चलें, उसकी हिफाजत करें, तो हमें और लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं अपने चूल्हे का बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत सफाई रखती हूँ कि मेरे चूल्हे ख़राब ना हों। और ये एक तरह से मेरे अब्बू की निशानी भी है, तो इसलिए मैं और ज़्यादा हिफाजत करती हूँ इनकी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर मेरी नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।